रात 9 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। नाज़रीन आदाब, डीडी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम शेर व सुखन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान सईद। शेर व सुखन ने आज इंतखाब किया है उर्दू शेर व अदब के गुलिस्तान से एक ऐसे गुल का जिसकी खुशबू से उर्दू शेर व अदब के चाहने वालों के दिमाग मुअत्तर हैं। ये नाम है अल्लामा शफीक जौनपुरी का। आज के इस एपिसोड में हम अल्लामा शफीक जौनपुरी की हयात व खिदमत पर बात करेंगे और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पे सुनेंगे। शफीक जौनपुरी की पैदाइश 1902 में जौनपुर के एक इल्मी और मजहबी घराने में हुई। उनका असल नाम वलीउद्दीन था और शफीक उनका तखल्लुस। शफीक जौनपुरी के वालिद साहब एक अच्छे शायर थे और दाग दहलवी के शागिर्द थे। उनकी वालदा भी बेहतरीन शायरा थीं और नात गोई पर उनको दस्तरस हासिल थी। जहाँ तक उनकी तालीम की बात की जाए, उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम अपनी वालदा और खाला से हासिल की। उन्होंने फ़ारसी, उर्दू और अरबी के इब्तदाई अजबाक अपने घर में हासिल किए। ये मकतबे की करामत कहिए या खुदादास सलाहियत कि उन्होंने 9 साल की छोटी सी उम्र में शेर कहने शुरू कर दिए और हल्के फुल्के शेर कहने लगे। आइए नाजरीन, अल्लामा शफीक जौनपुरी पे मजीद जानकारी के लिए एक्सपर्ट को सुनते हैं। जिन्होंने सिर्फ अदब की दुनिया में बहुत ज़्यादा कार्य किया, बल्कि उन्होंने आज़ादी की जंग से लेकर के समाज के उत्थान के लिए, लोगों की भलाई के लिए और जमाने को एक आईना दे करके पूरे देश को, पूरे उर्दू अदब को एक ऊंचाई दी, ऐसे महान शायर का नाम अल्लामा शफीक जौनपुरी है। ये 1902 में पैदा हुए थे। ये 1857 की क्रांति के बाद एक स्थिति बन गई थी देश में कि जो अंग्रेज़ थे वो फूट डाल रहे थे, लोगों को आपस में लड़ा रहे थे, लोगों में तफरके पैदा कर रहे थे। तो ऐसे में दाग दहलवी साहब और हफीज जौनपुरी साहब तमाम ऐसे शायर आए और जिन्होंने लोगों के दिलों को जोड़ने का काम किया। जौनपुर एक उर्दू का बहुत बड़ा मरकज़ बन चुका था। उनके गुरु थे दाग दहलवी साहब, शफीक जौनपुरी साहब के। तो उनके एक गुरु हफीज जौनपुरी साहब भी थे। तो हफीज साहब ने लिखा था कभी कि जौनपुर को लखनऊ हमने किया हफीज, टकसाल चढ़ गई है जुबान जौनपुर की। उसमें जौनपुर में बहुत बड़े बड़े शायर थे, लेकिन उसमें सबसे बड़े प्रतिभा संपन्न, सबसे बड़े कामिल, सबसे बड़े योग्य शफीक जौनपुरी साहब थे। और शफीक जौनपुरी साहब ने जो कुछ लिखा पढ़ा उसके साथ साथ एक पूरी व्यवस्था दी, एक पूरा सिलसिला दिया उनके बाद उस फन को आगे बढ़ाने में। उनके शागिर्दों ने बड़ा कार्य किया। एक नाम उसमें से कामिल शफीकी साहब का है। कामिल शफीकी साहब कौमी यकजहती के बड़े शायर थे, इनके शागिर्द थे। उन्होंने लिखा था कि तुम्हारा खून कितना कीमती है, कौम परवर है, तमाशा देखने वालों को ये एहसास क्या होगा, बहाते हो लहू सड़कों प्यारों रोज जो अपना, वतन जब खून मांगेगा तुम्हारे पास क्या होगा। जिंदगी तुझसे हमें अब कोई शिकवा ही नहीं, जिंदगी तुझसे हमें अब कोई शिकवा ही नहीं, अब तो वो हाल है जीने की तमन्ना ही नहीं। आइए नाजरीन, इस बेरग़बती के तासुर को लिए हुई गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। से हमें अब
शिकवा अब तो ये हाल है जीने की तमन्ना ही नहीं, अब तो ये हाल है जीने की तमन्ना ही नहीं, जिंदगी तुझे से हम के ख्वाबों से बहल जाते थे लेकिन अफसोस, हम के ख्वाबों से बहल जाते थे लेकिन अफसोस, जागते आँखों से तो ख्वाब का रिश्ता ही नहीं, जगती आँखों से तो ख्वाब का रिश्ता ही नहीं, जिंदगी तुझे से हमें अब कोई शिकवा नहीं, जिंदगी तुझे से हमें अब कोई वक्त के साथ बदलने लगा हर एक शफ़ीर, वक्त के साथ बदलने लगा हर एक शफ़ीर, जैसे अब मुझसे किसी का कोई रिश्ता ही नहीं, जैसे अब मुझसे किसी का कोई रिश्ता ही नहीं, जिंदगी तुझे से हमें अब कोई शिकवा नहीं, शिकवा पर्दा पड़ा हुआ था खुद ही ने उठा दिया,
पर्दा पड़ा हुआ था खुद ही ने उठा दिया, अपनी ही मार्फत ने तुम्हारा पता दिया। नाजरीन, अल्लामा शफीक जौनपुरी की तालीम मजहबी थी, यही वजह है कि उनकी शायरी की शुरुआत नात, हम्द और मनकबत गोई से हुई। लेकिन धीरे धीरे जैसे उनका शायराना शौक बढ़ता गया, उन्होंने उर्दू शायरी की दूसरी असनाफ में भी तवाजमाई की। ज़िंदगी के तजर्बात ने उन्हें गमे रोज़गार कहने पर मजबूर कर दिए। वो अपनी शायरी में नकली इनकलाब की बात नहीं करते, बल्कि हकीकी इनकलाब की बात करते हैं, खुद ही की बात करते हैं और ख़ुद को पहचानने की बात करते हैं। अपनी ज़िंदगी में 25 शायरी की किताबें उन्होंने लिखीं। इसके अलावा उन्होंने नसर की, गद्य की तमाम किताबें लिखीं और जो आज भी पूरी दुनिया में पढ़ी पढ़ाई जाती हैं। सबसे बड़ी बात है कि उनके शागिर्दों में अहमद निसार साहब हैं, शफीक साहब इतने बड़े शायर थे कि कभी उनके लिए इकबाल साहब जैसे शायर ने उनकी तारीफ़ में कुछ शेर लिखे। और वो ज़माने की बातें, दुनिया की बातें, दुनियावी बातें इतने आसान तरीके से कह जाते थे कि जितने आसानी से कहना आज के जमाने में बहुत मुश्किल है। टोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जुंजा की बराबर का हो जाए। कली पर मुस्कुराहट आज भी मालूम होती है, कली पर मुस्कुराहट आज भी मालूम होती है, मगर बीमार होठों पर हंसी मालूम होती है। आइए नाजरीन, इस फलसफियाना कलाम को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं, जिसको ख़ास तौर से डीडी उर्दू ने सजाया है आपके लिए और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। खुश रहे उनकी निगाहों की मती आए, हमेशा खुश रहे उनकी निगाहों की मती आए। अब अपनी Oh,
भी कसर है, मशरिक की जानिब ताज़ा किरणों के शफी कसर है, मशरिक की जानिब ताज़ा किरणों के ये मेरी शाम पुकारा जब कभी मैंने खुशी मुंह फेर कर बोली कि तेरे शहर में इंसान का इंसान दुश्मन है। नाज़रीन, अल्लामा शफीक जौनपुरी को शेर कहने में पूरी कुदरत हासिल थी। वो जो कहना चाहते थे या जो समझाना चाहते थे वही मफहूम उनकी शायरी से बरामद होता है। जहाँ तक उनकी ज़बान की बात है, उनकी शायरी की ज़बान नहायत सादा और सलीस थी। वो अरबी और फ़ारसी के मुश्किल अल्फाज से गुरेज करते हुए नज़र आते हैं। उन्होंने गमे रोज़गार के, ज़िंदगी के, परेशानियों के, दुख के बहुत से मज़ामीन अपने कलाम में पैवस्त किए। यही वजह है कि उनको पढ़ने वाले, उनको सुनने वाले उनके शेरों को सुनाते हैं। अल्लामा शफीक जौनपुरी ने दुनिया भर में मुशायरे पढ़े और बहुत कामयाब हुए। इसी वजह से उनको बहुत से इनामात और एजाजात से नवाजा गया। उनकी कुछ शायरी की किताबें हैं जिनकी चर्चा मैं कर देना चाहता हूं, और वो बड़ी मशहूर किताबें हैं। उन्होंने सफीना, फानूस, सफ़क, साना, खिरमन, खिरमन इश्क, तोबा, और उनके गद्य की पुस्तक है सफ़रनामे हज और मुकद्दमे शेरो अदब। उन्हें कई अखबारों में काम करने का मौका मिला, वो संपादक रहे उसके, और उसमें तारिक, वहीदुल आब, उर्दू नई दुनिया, हसरत, मोहानी का जो अखबार था, उर्दू, मुवल्ला शफीक, और इस तरह से कई जो है पत्र पत्रिकाओं में वो बराबर लिखते थे। सबसे बड़ी बात है कि उनके ऊपर रिसर्च किया है एक बहुत अच्छे रचनाकार ने, और उनका नाम है सैयद इकबाल जौनपुरी। ने उनके पूरे जो कुछ उनका है उसको एक साथ उन्होंने उसको संपादित किया है। ताबिस मेहदी साहब ने उन पर दो किताबें लिखी, शफीक जौनपुरी एक मुताला और शफीक जौनपुरी करके है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने, अल्लामा इकबाल साहब ने एक रास्ता दिया उर्दू अदब के लिए, जो है एक माहौल तैयार किया। उनके कुछ शेर हैं जो मैं आपके सामने बयां करना चाहता हूँ। यही कह के एक बीमारे गम रोता है रातों को कि जब से तुम गए इस घर की वीरानी नहीं जाती। यूं तसव्वुर में हर रात किया करते थे, यूं तसव्वुर में हर रात किया करते थे, लब ना खुलते थे मगर बात किया करते थे। आइए नाज़रीन इस बेहतरीन गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। यूं तसव्वुर में बसर रात किया करते थे, यूं तसव्वुर
बसर रात किया करते थे, लब न खुलते थे मगर बात किया करते थे, लब न खुलते थे मगर बात किया करते थे। यूं तसव्वुर में बसर रात किया करते थे। हाय वो रात के सोती थी खुदाए सारी, हाय वो रात के सोती थी खुदाए सारी, हम किसी दर पे मुनाजात किया करते थे, हम किसी दर पे मुनाजात किया करते थे। यूं तसव्वुर में बसर रात किया करते थे। याद है बंदगी अहले मोहब्बत जिस पर, याद है बंदगी अहले मोहब्बत जिस पर, आप भी फकरों महाबात किया करते थे, आप भी फकरे महाबात, आप भी फकरों महाबात किया करते थे। यूं तसव्वुर में बसर रात किया करते थे। याद करता है उसी अहद गुज़िश्तों को शफ़ी, गुज़िश्तों आ, 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 आ,
याद करता है उसी अहद गुज़िश्तों को शफ़ी। जब तुम उल्ताफ को इनायत किया करते थे, जब तुम उल्ताफ को इनायत किया करते थे, यूं तसव्वुर में बसर रात किया करते थे। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हमने अल्लामा शफीक जौनपुरी की हयातो खिदमात पे बात की, उनकी ज़िंदगी पे बात की और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पे सुना। मुझे उम्मीद है आज का ये एपिसोड आपको बेहद पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय से नवाजते रहें और अपने मेज़बान सलमान सईद को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। एक नए कलिनरी जर्नी